नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। उसका ये मंजूरी पत्र अब यूपीएस लागू होगी। कैबिनेट की मंजूरी है पेंशन, तो देखने वाले हैं आप। देखें, ये पत्र है जो मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दिया है उसका, उसको देख लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय, यानी कि ये मंत्रिमंडल ने जो स्वीकृति अप्रूवल दिया है उसको देखें आप, कि कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। ये 24 अगस्त का है, रात 8:30 बजे का। ये इसको हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन प्रणाली यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। एकीकृत पेंशन योजना मुख्य विशेषता इस प्रकार है। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम आरक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों से प्राप्त औसत मूल वेतन पर 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन 60%। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह। महंगाई सूचकांक सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कि तीनों चीज़ पर ये महंगाई भत्ता यानी कि महंगाई राहत दिया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स आंकड़े के आधार पर महंगाई राहत। सेवा कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान, ग्रेजुटी, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति की तिथि पर अन्य मासिक उपलब्धियों, DA प्लस वेतन प्लस DA का 1/10 भाग हिस्सा प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए। इस भुगतान की सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो है मंत्रिमंडल का फैसला था, और इस पर आप कर्मचारी हैं तो नीचे अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।